दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर पृथ्वी के बाद किसी दूसरी जगह पर जीवन संभव है या किसी जगह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है तो वो केवल और केवल मंगल ग्रह है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो। उनके अनुसार ब्रह्मांड में और भी ऐसे कई ग्रह मौजूद है जिस पर जीवन पनपता है और हमारी तरह जीवन वहां पर फलता फूलता है। फिलहाल कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से यात्रा करके आया है, यानी कि जीवन पहले मंगल ग्रह पर था और मंगल से जीवन अब पृथ्वी पर आ गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था तो इसका जीवन कैसे और कब नष्ट हुआ सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे आखिर ऐसे कौन से हालात रहे होंगे जिन्होंने मंगल ग्रह को बेजान बना डाला लेकिन पृथ्वी पर जीवन को भेज दिया। क्या आने वाले समय में पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? क्या पृथ्वी से भी जीवन ठीक उसी तरह से लुप्त हो जाएगा जैसे मंगल से लुप्त हो गया है? ये बात तो आप सभी जानते हो कि सभी ग्रहों का जन्म तारे से होता है और हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह भी सूर्य से ही जन्म लेते हैं। अब हमारा सूरज हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म पिंड है, इसलिए इससे जन्मे सभी ग्रह भी बेहद गर्म रहे होंगे। लेकिन ग्रहों के पास खुद से गर्मी पैदा करने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए उन्होंने ठंडा होना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया करोड़ों सालों तक यूं ही चलती रही। मंगल ग्रह जो कि पृथ्वी से काफी छोटा है और सूर्य से भी इसकी दूरी कहीं ज्यादा है, इसलिए मंगल ग्रह पर करोड़ों साल पहले ही आदर्श तापमान बन गया था। यानी कि जब हमारी पृथ्वी गर्म लावे से उबल रही थी उससे पहले ही मंगल ग्रह ठंडा होकर एक हैबिटेबल ग्रह बन चुका था। जब जन्म के करोड़ों साल बाद भी हमारी पृथ्वी एक भट्टी की तरह तप रही थी तब मंगल ग्रह पर अच्छा तापमान था और वहां पर स्वच्छ पानी के सागर बहने लगे थे और अतीत में पानी बहने के सबूत हमारे खोजी यानों ने भी वहां पर ढूंढ निकाले हैं। मंगल के इन्हीं महासागरों में सूक्ष्म बैक्टीरिया जन्म लेने लगे और किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया से ही होती है, जबकि बड़े जीव बनने के लिए उन्हें फिर एक लंबा समय चाहिए होता है, जबकि मंगल ग्रह पर उन्हें वो समय नहीं मिला क्योंकि तभी एक एस्ट्रॉइड तेज गति से आता हुआ मंगल ग्रह से टकरा गया जिससे हजारों परमाणु बम के बराबर उस एस्ट्रॉइड से ऊर्जा निकलती है और उससे मंगल ग्रह पर ऊपरी हिस्सा खत्म हो जाता है। इस टकराव से मंगल ग्रह के बैक्टीरिया अपने आप नष्ट हो गए और उसी समय एक और ग्रह घूमता हुआ हमारी पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए। हाँ, ये बात और है कि तब पृथ्वी पर कोई जीवन था ही नहीं। तो उस टक्कर से पृथ्वी के जो टुकड़े हुए उसमें बड़े वाले टुकड़े को तो हम और आप आज पृथ्वी के नाम से जानते हैं और उस पर रहते भी हैं, और जो बचा हुआ छोटा टुकड़ा था उसे हम आज चांद कहते हैं। पृथ्वी के उस ग्रह से हुई टक्कर एक अच्छा संयोग था क्योंकि इससे भविष्य में पृथ्वी पर जीवन जीने लायक परिस्थितियां बनने वाली थी। साल 2014 में नासा के रोवर्स ने मंगल ग्रह की एक जबरदस्त तस्वीर ली थी क्योंकि इस तस्वीर में गोल पत्थर दिखाई दिए थे जो कि हजारों साल पानी बहने के कारण बनते हैं। साथ ही तस्वीर में काफी सारे दर्रे और नदी रूपी संरचनाएं भी थी, जिसको देखकर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि एस्ट्रॉइड की टक्कर के बावजूद भी मंगल की धरती के अंदर तरल रूप में पानी रहा होगा जो कि ज्वालामुखी के फटने के कारण भाप के रूप में अवश्य बाहर निकला होगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह पर अनगिनत ज्वालामुखी है। एवरेस्ट की चोटी से 3 गुना ऊंचा मंगल का ओलंपस पर्वत भी असल में एक ज्वालामुखी ही है। जलवाष्प के रूप में ज्वालामुखियों ने जब पानी फेंका तो मंगल पर बादल बने जिससे बारिश हुई, जिससे एक बार फिर से मंगल ग्रह पर जीवन पनपना शुरू हो गया। लेकिन ये दूसरी बार पनपने वाला जीवन भी यहां लंबे समय तक नहीं चल सका क्योंकि सूर्य से ज्यादा दूरी होने की वजह से मंगल ग्रह पर तब ज्यादा ठंड हो गई थी और उसका पानी बर्फ के रूप में जमना शुरू हो गया था और मंगल के अंदर से जो गर्मी थी वो भी इस बर्फ की वजह से दबना शुरू हो गई थी। मंगल ग्रह पर अत्यधिक ठंड होने की वजह से उससे बैक्टीरिया जैसा सूक्ष्म जीव भी समाप्त हो गया था। दूसरी तरफ तभी पृथ्वी पर तापमान अब सही होने लगा था और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी को तब एक बेहतरीन स्थिरता प्रदान की, जबकि ऐसी स्थिरता मंगल ग्रह पर नहीं थी क्योंकि उसके दोनों उपग्रह बेहद छोटे हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण बल मंगल ग्रह को एक धुरी पर बांधने लायक नहीं है, जबकि हमारा चंद्रमा काफी बड़ा है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी को एक तरफ झुका कर रखता है जिसकी वजह से यहाँ सर्दी गर्मी और बारिश वाले मौसम बन पाते हैं। पृथ्वी पर जीवन केवल मंगल ग्रह की तरह बैक्टीरिया में नहीं पनपा बल्कि यहाँ पर समुद्रों में कई तरह के जीव विकसित होने लगे। लेकिन जब पृथ्वी के पास ओजोन परत नहीं थी तब कोई भी जीव समुद्र से बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन पृथ्वी पर आदर्श तापमान की वजह से ऐसे बैक्टीरिया का निर्माण हुआ जो सूरज की गर्मी को सहन कर सकते थे।
इस अनोखे घटनाक्रम के जरिए बैक्टीरिया जीवन के लिए एक बेहतरीन पदार्थ का निर्माण करने लगे, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तब पृथ्वी पर मंगल ग्रह से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन बन गई थी, और तब सूरज की घातक अल्ट्रावायलेट किरणें ऑक्सीजन के अणुओं पर गिरी तो ऑक्सीजन के दोनों परमाणु ने अलग होकर ओजोन परत का निर्माण किया और पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन की मोटी परत बन गई, जो सूर्य से निकलने वाली घातक किरणों को सोखने का काम करने लगी। अब पृथ्वी का वातावरण काफी अच्छा हो चुका था और यहाँ के जीवों ने समुद्र से बाहर निकलकर पृथ्वी पर रहना शुरू कर दिया था। मंगल को जीवन पनपने के मामले में पृथ्वी तब बहुत पीछे छोड़ चुकी थी, क्योंकि मंगल पर आधा-अधूरा जीवन अजन्मा जीव पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। लेकिन धरती पर विशाल डायनासोर रहने लगे थे, जिन्होंने 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। लेकिन यहां लंबे समय तक राज करना भी आसान नहीं था, इसलिए एक उल्कापिंड के गिरने से उन विशाल डायनासोर का भी अंत हो गया। उस उल्कापिंड ने पूरी दुनिया में तबाही मचाकर रख दी और तापमान भी बहुत ज्यादा हो गया। हजारों सालों तक आसमान से आग की बारिश हो रही थी, एक बार फिर पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर हर तरफ नरक जैसा मंजर दिखाई दे रहा था, लेकिन यह घटना हमारे लिए एक वरदान साबित होने वाली थी, क्योंकि अगर डायनासोर का अंत नहीं होता तो हम और आप यहां पर नहीं होते। उनके अंत के साथ ही स्तनधारी जीवों की प्रजातियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें कई तरह के बदलाव देखने को मिले और करीब 6 करोड़ साल चले इस बदलाव की वजह से इंसानों जैसे बुद्धिमान प्रजाति का जन्म हुआ। जहां पहले डायनासोर अपनी ताकत के दम पर राज करते थे, वहीं हम इंसानों ने अपनी बुद्धिमानी के दम पर राज करने का हुनर सीख लिया। हमने यहां मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करना सीखा और आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि आज हम खुद का विनाश भी कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप मानते हो कि जीवन की संरचना आसान नहीं है, क्योंकि जीवन केवल ऐसे ग्रहों पर पनपता है जहां परिस्थिति आदर्श हो और तापमान इतना आदर्श हो कि जल तरल अवस्था में रह सके, जहां हमारे चांद जैसा एक बड़ा उपग्रह भी हो जो अपने ग्रह को एकदम स्थिर रख सके, जहां ओजोन लेयर भी हो जो सूरज की हानिकारक किरणों से बचाए रखे, और जिस ग्रह की अपनी चुंबकीय शक्ति भी हो ताकि सौर तूफान से जीवन को सुरक्षित रख सके और अपने वायुमंडल और पानी को पकड़कर रख सके। भले दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी जैसी आदर्श परिस्थितियां बहुत कम ग्रह पर होंगी। हाँ, ऐसा भी नहीं कि इस ब्रह्मांड में केवल हमारा ही ग्रह ऐसा जहां अच्छा तापमान है, लेकिन उन ग्रहों पर एलियन भी वैसे ही राज करते हैं जैसे हमारी पृथ्वी पर करते हैं। जब तक पृथ्वी पर एक आदर्श परिस्थिति रहेगी तब तक हम इंसान ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हालात भी ऐसे कब तक रहेंगे, क्योंकि ऐसे अनेकों कारण है जिनसे फिर से पृथ्वी के हालात बिगड़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। और डायनासोर की तरह हमारा भी खात्मा हो सकता है। क्या पता किसी एस्ट्रॉइड से हमारी पृथ्वी टकरा सकती है, या फिर किसी घातक वायरस से हमारा अंत हो सकता है, या फिर हम इंसान ही परमाणु बम और जैविक हथियारों का इस्तेमाल करके अपने आप को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, कभी न कभी पृथ्वी से जीवन का खात्मा तो अवश्य होगा, लेकिन ये सच है हम इंसानों का पूरी तरह से इस धरती से सफाया नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इंसान इस धरती पर केवल 2 लाख सालों से ही हैं, क्योंकि यहां जीवन अरबों सालों से, जिसमें पृथ्वी ने हजारों मुसीबतों का सामना किया है और अनेकों बार यहां नष्ट हुआ है, लेकिन फिर से यहां जीवन पनपा है, यानी जीवन हालात के हिसाब से खुद को बदल लेता है। इसलिए अब कोई अगर घटना पृथ्वी पर होती है तो उससे भले ही हमारा खात्मा हो जाएगा, लेकिन जीवन को उपजाने वाली परिस्थितियां यहां से स्थायी रूप से खत्म नहीं होंगे और यहां एक बार फिर से जीवन पनपेगा। ठीक जैसे आज हमारा यहां पर राज है, ऐसे ही किसी और का यहां पर राज चलेगा। ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी और आगे भी ऐसे ही हालात बनते और बिगड़ते रहेंगे। हाँ, ये बात और है कि एक न एक दिन पृथ्वी का अंत जरूर होगा और इसकी वजह बनेगा हमारा सूरज, क्योंकि सूरज ऊर्जा का भंडार है और जैसे जैसे इसका ईंधन खत्म हो रहा है वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। 2 अरब सालों बाद सूरज 15% बढ़ चुका होगा और तब पृथ्वी काफी ज्यादा गर्म हो चुकी होगी और यहां से जीवन पूरी तरह से पलायन कर चुका होगा, और तब सूरज का ईंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब इसका आकार भी पूरी तरह से बढ़ जाएगा। उस समय सूरज का फैलाव हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाएगा और हमारी पृथ्वी पिघलकर सूरज में समा जाएगी। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी पृथ्वी अमर नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे हम और आप अमर नहीं है। इसलिए हमें किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। इस ब्रह्मांड में जिस किसी भी चीज का जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है। जिस तरह से एक समय में मंगल से जीवन समाप्त हुआ था, ठीक उसी तरह से हो सकता है कि मंगल पर एक बार फिर से जीवन लौट जाए, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये एक लंबे समय की प्रक्रिया है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये अरबों साल का प्रोसेस है और तब तक हम और आप तो यहां होंगे नहीं, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।